हेलो एवरीवन। चलिए क्विकली, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड वी आर हियर टू बेसिकली डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इनकम टैक्स पेपर सेमेस्टर 3 राइट, इनकम टैक्स पेपर ऑफ सेमेस्टर 3 राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, साइड बाय साइड आल्सो दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर इग्नू इनकम टैक्स पेपर राइट, अगेन फॉर सेमेस्टर, आई थिंक सो इनकम टैक्स उसमें सेमेस्टर 4 में आता है, तो अगेन उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? सो आई एम रेफरिंग टू द इनकम टैक्स गिरीश आहूजा बुक। जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ वो है गिरीश आहूजा जी की बुक, विच इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, विच इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 and this is the cover of the book, right? I'm just trying to show that, please have a look. This is the cover, this is the book I'm referring. Chaliye, we are starting with the basic discussion of all the important questions from the entire syllabus. Approximately ye jo hamara series rahega, ye isme mere char parts karenge aur ye charo parts somewhere around 3 to 4 hours ke honge. So please inke charo parts ko zarur se dhyan se dekhiyega, jisme maine सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट, बेसिकली वन डे बिफोर रिविजन सब कुछ, मैंने इसको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। आई विल बी मेजरली डिस्कसिंग हियर द थ्योरी क्वेश्चन, आई एम नॉट डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन आउट हियर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए एक अलग सीरीज बनाई जाएगी, प्रैक्टिकल सीरीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल बी डिस्कस सेपरेटली। यहाँ पर मैं केवल वो थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक और चीज बता दूँ सर, ये बी कॉम एंड बी कॉम ऑनर्स दोनों सालों के लिए, दोनों कोर्सेज के लिए अवेलेबल रहेगी फॉर बोथ द ईयर्स, राइट, फॉर बोथ द यूनिवर्सिटीज। सो प्लीज मेक श्योर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें, राइट? सर, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हो, क्या ये फॉर द ईयर 2022 ही वैलिड है? नहीं, ये आने वाले फ्यूचर ईयर्स, दैट इज 2023-2024, आने वाले ईयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर इन क्वेश्चन में कुछ अमेंडमेंट आती है तो उन अमेंडमेंट को मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है? लेकिन ये जो सीरीज है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है, ये इम्पोर्टेंट रहेगी फॉर दोज ईयर्स एज वेल, राइट? करेंटली अभी हम 2022 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फॉर द पेपर्स 2022 जो अभी दिसंबर मंथ में होने वाले हैं, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन that we are discussing here, right? The first question that we are discussing here, I should just write this as topic one. The first topic that we are discussing here is basically the definition of the word income, right? The definition of the word income, which is important from your chapter, राइट? अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है, सर इनकम बताइए, इनकम का मतलब क्या है? सर इनकम का बेसिकली मतलब ये है कि हम यहाँ पे बोलते हैं, सर यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इनकम, इनकम का मीनिंग क्या है, राइट? अ शॉर्ट नोट ऑन इनकम, अंडर इनकम टैक्स इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज अर्नड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट, अर्नड ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, राइट, विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, राइट, विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, राइट, इन द असेसमेंट ईयर। सर अभी आपने जो प्रीवियस ईयर और ये असेसमेंट ईयर का टॉपिक बताया, ये हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे लिए इनकम क्या है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं एक बार, अगर आप अपने पेज नंबर सेकंड
राइट, अगर आप एक बार पेज नंबर 1 पर आ जाएंगे इन चैप्टर नंबर 1 ऑफ द बुक, राइट, वहां पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी नंबर 1 में स्कीम ऑफ टैक्सेशन। तो अगर आप देखेंगे इन अदर वर्ड, वहां पे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड दैट इनकम टैक्स इज लिवाइड इन इंडिया इन द फॉलोइंग मैनर। इस फॉलोइंग मैनर में इनकम लगाया जाता है कि बेसिकली हम सबसे पहले तो हर पर्टिकुलर इंसान की जो इनकम होती है उसे हम चार्ज करते हैं, राइट, द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस, जो हमारी इनकम होती है इसे हम चार्ज करते हैं, ठीक है, अंडर वेरियस हेड्स, ठीक है, अंडर वेरियस हेड्स, ठीक है, वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है सर। दूसरी चीज हमें बोली है इसमें, इनकम जो है वो अर्न होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में और असेस की जाएगी इन असेसमेंट ईयर, ठीक है सर। तीसरी चीज हमें बताया गया है कि इस पे जो हमारा रेट ऑफ टैक्स रहेगा, राइट, इस पे हमारा जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो या तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स हो सकता है या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो सकता है, ठीक है, जिसके इनकम पे हमारा टैक्स लगता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टेट इन दिस फर्स्ट डेफिनेशन, यूजुअली 2, 3 या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पेपर में जो पूछा जाता है, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट सर। ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमें बोलता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है सर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को हम अपना प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं जिसमें हम इनकम को अर्न करते हैं। इस पर्टिकुलर ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, हम इनकम को रिसीव करते हैं, हम इनकम को अक्रू करते हैं। तो जिस साल में हम पर्टिकुलरली इनकम को अर्न करते हैं, इनकम को रिसीव करते हैं या इनकम को अक्रू करते हैं, वो जो पर्टिकुलर ईयर है हमारा बेटा, उस पर्टिकुलर ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है बेटा। जिस ईयर में इस इनकम को असेस किया जाता है, असेस किया जाता है मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता है ना, इसको कंप्यूट किया जाता है ना, या इसको मेजर किया जाता है ना, इन पर इस पर्टिकुलर ईयर को जो यूजुअली नेक्स्ट ईयर होता है ना, नेक्स्ट ईयर टू द फाइनेंशियल ईयर, उसे हम बात करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। आई होप कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, रिसीव करते हैं, अक्रू करते हैं, उस ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, राइट, दिस इज माई प्रीवियस ईयर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द करेंट टर्म्स में हम जो असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2022-23, तो मतलब इसका रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2021-22। मतलब मैंने इनकम कब कमाई होगी सर, मैंने इनकम कमाई होगी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। और सर इसे मैं असेस कब, कौन से ईयर में करने वाला हूँ सर, इसको मैं असेस करने वाला हूँ 2022-23, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2022 टू 31/3/2023। दिस इज द ईयर इन विच आई एम गोइंग टू असेस द इनकम। एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कर लोगे, अगेन ये कॉन्सेप्ट है 3 to 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकम का मैंने भी आपको बताया, 2 to 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो सर। हमें बुक की डेफिनेशन पढ़नी है, बुक में इसकी डेफिनेशन कहाँ मिल जाएगी सर, अगर आप अपनी बुक पे आएंगे पेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, इसमें आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है सर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन क्या होता है सर, ये क्वेश्चन बोलता है ऑल इनकम्स आर अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर एंड आर चार्ज्ड टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर, ओके, बोलता है सारी की सारी इनकम जो है उसे हम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में
और उसे टैक्स में चार्ज करते हैं कौन से ईयर में, असेसमेंट ईयर में, राइट। अब आपको बोलता है इज द स्टेटमेंट ट्रू, है ना, इज द स्टेटमेंट ट्रू, पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इफ देर आर एनी एक्सेप्शन एक्सप्लेन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 से 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 5 से 8 मार्क्स के लिए। सर ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, बट देर आर सर्टन प्रोवाइजोज। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवाइजोज? सर प्रोवाइजोज का मतलब होता है एक्सेप्शन। सर देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू दिस रूल, ठीक है। द रूल इज करेक्ट, ये जो हमने रूल ऊपर स्टेट करा गया है, रूल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में ये रूल बिल्कुल स्टेटेड है, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं जो हमें यहाँ पे बताए गए हैं। उन एक्सेप्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, उन एक्सेप्शन की डिस्कशन करने के लिए ही बेसिकली हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सर वो एक्सेप्शन हमें क्या कहता है? सर वो एक्सेप्शन हमें कहता है कि सर अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कोई शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई पर्टिकुलर इंसान कोई शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट राइट, हमारा कोई पर्टिकुलर इंसान कोई शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है उसके साथ साथ ही इज अ नॉन रेजिडेंट, है ना, ऑल्सो सच पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट, राइट। नॉन रेजिडेंट का मतलब जो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। सर वो अगर इंडिया से कोई शिप लेके जाता है या इंडिया में कोई शिप लेकर आता है और जल्दी जल्दी चला जाता है, उसका जो टैक्सेशन का काम होगा, उसका जो टैक्सेशन का एडजस्टमेंट होगा, वो उसी टाइम पे होगा, वो उसी पीरियड में होगा, वो उसी समय हो जाएगा जब उसने अर्न किया होगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शिपिंग बिजनेस में इंडिया में आया, से फॉर एग्जाम्पल आई केम ऑन 1 जुलाई 2021, राइट, एज पर द रूल्स मैंने यहाँ पर ₹10 लाख की अर्निंग करी, मैंने यहाँ पे ₹10 लाख की कोई इनकम अर्न करी, ठीक है बेटा। मैंने जब भी इनकम अर्न करी एज पर द रूल्स, ये वाली जो इनकम है क्योंकि ये मेरे विद इन द फाइनेंशियल ईयर 21 से 31 मार्च 2022 के बीच में आ रहा है, इट इज कमिंग अंडर द प्रीवियस ईयर 2021-22, इसकी जो असेसमेंट है वो यहाँ पर 2022-23 में होनी चाहिए। लॉजिकली नॉर्मल इंसान होता उसकी लॉजिकली ऐसे ही होता, लेकिन क्योंकि ये इंसान जो है ये एक तो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, ठीक है, दूसरा सर ये नॉन रेजिडेंट है, भाग सकता है ना बेटा, शिपिंग बिजनेस कर रहा है तो एक दूसरे से एक कंट्री से दूसरी कंट्री भाग सकता है। वो कहते हैं अपना टैक्सेशन का सारा जो काम है, सारा कारनामा है, सारा निपटा के फिर भागो, आप सारा अपना टैक्स के प्रोसीडिंग भरो और फिर जाओ यहाँ से, है ना। तुम हमने हमें इंडियन गवर्नमेंट कहती है हमें तुम पे भरोसा नहीं है, है ना, वी कांट ट्रस्ट यू, है ना, सिंपली, राइट। सर सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द इनकम इज असेस्ड इन द सिमिलर सेम ईयर इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अर्न्ड। हम असेसमेंट ईयर के खत्म होने, प्रीवियस ईयर के खत्म होने का वेट नहीं करते, हम असेसमेंट ईयर के आने का वेट नहीं करते, हम जिस साल में उसे कमाया उसी साल में उसे टैक्स पे डाल दिया इनकम को, ठीक है। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर सेकेंड केस कौन सा होता है? सर पर्सन लीविंग इंडिया, बेटा सोचो एक इंसान है जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, ठीक है बेटा, कोई इंसान हो सकता है परमानेंटली छोड़ के जा रहा हो, कोई इंसान है जो टेम्परेरी छोड़ के जा रहा हो, 6-8 महीने का वीजा लगा के जा रहा है वर्क परमिट के साथ, उसको बोला जाएगा भैया एक काम करो तुम असेसमेंट ईयर का क्या वेट करोगे, तुम तो इंडिया छोड़ के जा रहे हो, हमें तुम पे क्या भरोसा है ना। आजकल तो बाले वाले वाले केसेस काफी सारे हो बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए क्लियरली इंडिया में उसको पहले ही प्रोसिक्यूट किया जाता है कि तुम अपनी टैक्स की लाइबिलिटीज पूरी करके जाओ, अपनी रिटर्न विटर्न यहाँ से भर के जाओ, तभी हम तुम्हें जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। अपना टैक्स का जो पूरा का पूरा कारनामा है इसी साल में भर के जाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर का टैक्स तो भरो ही भरो, सर करंट ईयर में भी अगर आपका कोई इनकम अर्न करी है उसे भी भरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एक पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, हमने बोला एक पर्टिकुलर इंसान है, उसने 1/4/21 से 31/3/22 में फॉर एग्जाम्पल उसने ₹12 लाख की अर्निंग करी है, बेटा इसका असेसमेंट तो वो यहाँ पे करेगा इन द ईयर 2022-23। सर अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग ऑन 30th जून 2022,
ठीक है, 30 जून 22 को वो यहाँ पे खड़ा है, तो 30 जून 22 को यहाँ तक की जो इनकम है, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक में उसने यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाए हैं, इनकम टैक्स बोलता है कि एक काम करो, ये 12 लाख और ये 2 लाख दोनों को मिलाकर यहाँ पर 30 जून तक की टैक्स भर के जाओ, हम पे तुम हमें तुम पे भरोसा नहीं है, तुम इंडिया से एक बार बाहर निकले तुम हमारा काम तमाम कर दोगे, हम तुम हमें पेमेंट नहीं दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है सर, तीसरा केस हमें बोलता है सर, हमने कोई एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हमने कोई बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, राइट, या हमने कोई आर्टिफिशियल पर्सन, हमने कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्रिएट किया है, मतलब हमने एक ऐसा कोई क्रिएट किया है आर्टिफिशियल बॉडी, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, केवल वो जो हमने जो इवेंट, ये जो पर्टिकुलर बॉडी क्रिएट करी है ना, इसे केवल एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए कैलकुल क्रिएट करी है बेटा, ऐसी सिचुएशन में भी ना इसका जो टैक्सेशन होगा, इसका जो टैक्सेशन होगा, इसे भी हम करंट ईयर में ही कर देंगे, मतलब वट एवर इज अर्नड इन द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, हम उसका बाद में कोई लेखा जोखा नहीं लेंगे, असेसमेंट ईयर के खत्म होने का वेट नहीं करेंगे। सो द फोर्थ टाइप ऑफ पर्सन इज बेसिकली, अगर आप देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ पर्सन जो हमारे हैं यहाँ पर, जब हम बेसिकली अपनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, वेन एवर वी आर ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टी, है ना, टू अवॉइड टैक्स, टैक्स को अवॉइड करने के लिए अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी को टैक्स ट्रांसफर किया है एंड गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चल गया, है ना बेटा, बहुत सारे विभीषण है हमारे यहाँ बीच में, राइट, तो आप देख सकते हो वेन एवर वी आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज बींग ट्रांसफर्ड, वाई, टू अवॉइड टैक्स, तो वेन एवर वी आर ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स वी हैव टू डू द असेसमेंट इन द ईयर इन विच सच इनकम हैज बीन अर्नड, वी आर नॉट गोइंग टू वेट, जब तुम अवॉइड करने के लिए एक बार चोरी कर सकते हो तो बाद में भी चोरी कर सकते हो, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हमारा तुमसे भरोसा उठ चुका है, ठीक है। सर लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है जो हमारे पास है डिसकंटिन्यूड बिजनेस के बारे में, सर डिसकंटिन्यूड बिजनेस के बारे में हमारा एक पॉइंट है कि अगर आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर चुके हो बेटा, जिस साल में अर्न किया है उसी साल में उसका लेखा जोखा भर दो, अगर आप देखेंगे दिस टॉपिक हैज गिवन ऑन पेज नंबर ऑफ योर गिरीश आहूजा बुक, पेज नंबर 3, राइट, चैप्टर नंबर 1, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी ईयर हर साल क्वेश्चन इसमें से आता है, राइट, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, ऑल वेल आई थिंक, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। राइट, तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा क्वेश्चन कवर हो जाता है, यहाँ पर हमने बात कर ली थर्ड क्वेश्चन के बारे में, इसके बाद में अगर आप देखोगे देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे विच इज द फोर्थ पॉइंट, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ठीक है, ये आपका एक और फोर्थ क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 1 विच इज टॉकिंग अबाउट GTI। GTI बेसिकली क्या है सर, ये पेज नंबर 8 पे आपको दिख जाएगा ऑफ चैप्टर नंबर 1 गिरीश आहूजा। सर GTI बेसिकली होता क्या है, सर GTI एक तरीके से हमारा एक एग्रीगेट इनकम है, सर एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्या है, ये हमारा एग्रीगेट इनकम ही होता है। सर किस चीज का एग्रीगेट इनकम होता है, सर दिस इज द एग्रीगेट इनकम ऑफ द फोर हेड्स दैट वी हैव, द फर्स्ट हेड सैलरी, सेकेंड हेड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड PGBP प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चैप्टर नंबर 4 कैपिटल गेन्स, चैप्टर नंबर 5 अदर सोर्सेज। सर इन सारे हेड से जो हमने एग्रीगेट इनकम कमाई है, इन पांचों हेड से हमने जो एग्रीगेट इनकम कमाई है उसे हम GTI कहते हैं। इसका एक प्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर आप वेरियस इनकम से लिखते जाते हो और ये आप प्रेजेंटेशन शो कर सकते हो आपके एग्जाम में, अगेन 2 to 5 मार्क्स में छोटा सा शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है, कई बार आया हुआ है बीकॉम प्रोग्राम वगैरह के टॉपिक्स में, राइट, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक चैप्टर जो है
वो चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक टॉपिक जो अभी तक बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं किया गया है आपके एग्जामिनेशन पे, आई डोंट कंसिडर इट, आई कंसिडर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन टेस्टेड इन योर पेपर, राइट, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज इन रिलेशन टू परमानेंट अकाउंट नंबर एंड आधार लिंकिंग ऑफ इट, राइट, दैट इज ऑन पैन, ठीक है, एंड आधार, ठीक है, इसके बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, दिस इज ऑन पेज नंबर 10 एंड 11 ऑफ योर बुक, है ना, चैप्टर नंबर 1, इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, बट आई कंसिडर दिस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जहां जहां पे इनकम टैक्स के बारे में बात होती है, वेयर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, वहां वहां पर पैन और आधार के बारे में हमेशा बात की जाती है। तो बेटा आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए, दैट पैन नंबर इज बेसिकली एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट, जिस आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पर इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको आइडेंटिफाई करती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी हमें आइडेंटिफाई करती है? इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको आइडेंटिफाई करती है मतलब दिस इज लाइक अ यूनिक नंबर गिवन टू यू, जिसके बेसिस पर जिसको आपको कोट करना पड़ता है हर बार वाइल फाइलिंग रिटर्न वाइल डूइंग एनीथिंग, ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे हमेशा पैन के लिए अप्लाई करके रखना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट आपको एक पैन नंबर अलॉट करती है, उस पैन नंबर के बेसिस पे आप अपना आगे का प्रोसीडिंग करते हो। सर ये आधार का क्या लेना देना है यहाँ पर इनकम टैक्स से? बेटा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ठीक है, हमारे पैन नंबर को आधार के साथ आधार लिंकिंग बिकेम मैंडेटरी, मतलब मेरा जो पैन नंबर मुझे दिया गया है, मुझे जो पैन नंबर इशू किया गया है, उस पैन नंबर के साथ में मुझे आधार को लिंक करना मैंडेटरी है, ठीक है, तो आज मतलब मेरे पास अगर पैन नंबर है तो उस पैन नंबर के साथ मेरा आधार नंबर भी लिंक होना चाहिए, जिससे कि बेसिकली दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन स्टेप सो दैट 1% डज नॉट होल्ड मोर देन 1 आधार 1 पैन कार्ड, है ना, पैन नंबर, राइट, एंड वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट वेदर ही इज हियर और नॉट, बिकॉज आधार नंबर इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी आर यूजिंग दीज डेज। आई होप यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। हम यहाँ पे मैं एक बार क्विक रिविजन दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको चार चार नहीं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 थ्योरी क्वेश्चंस। पहला इनकम क्या होता है सर, दूसरा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सर, तीसरा सर सारी की सारी इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न होती है लेकिन टैक्स पे चार्ज असेसमेंट ईयर में होती है, क्या इसके कोई एक्सेप्शन है, मतलब क्या कोई ऐसी इनकम है, इसको एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है सर, क्या ऐसी कोई इनकम है जिसे हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर देते हैं, सर इज देयर एनी पर्टिकुलर इनकम विच इज टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, तो दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन, आंसर बिल्कुल सेम होने वाला है ना, इसके हमारे पास 5 केसेस हैं, वो 5ों केसेस हमने डिस्कस कर दिए हैं। जीटीआई क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम जीटीआई भी कहते हैं, तो जीटीआई क्या होता है सर, 5वां क्वेश्चन जो हमने इसमें बात बताई, जो इतना इंपॉर्टेंटली एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है लेकिन मुझे लगता है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा बेसिक क्वेश्चन, पैन क्या होता है, आधार क्या होता है, एंड पैन को कैसे अप्लाई किया जाता है, पेज नंबर 10 एंड 11 पे इसका थ्योरी दे रखा है, आप आराम से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सर मैं यहाँ पर अब चैप्टर नंबर 2 में मूव कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 बेसिकली बात करता है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। सर रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आप देखेंगे एक थ्योरी कम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, राइट, एंड इसका स्कोप तो अगर आपको पता है, ये मेरे ख्याल से आपने अगर थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा होगा, तो एक पर्टिकुलर इंसान दो बेसिकली हमारे लिए एक पर्टिकुलर असेसी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असेसी, राइट, आई शुड यूज द वर्ड इंस्टेड असेसी, राइट, असेसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 1 इज ROR, RNOR, NR, लेट मी पुट द फुल फॉर्म्स ऑल्सो फॉर यू गाइज हियर, दैट इज टॉकिंग अबाउट रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट
एंड दूसरा हमारे पास आता है नॉन रेजिडेंट, तीसरा हमारे पास आता है नॉन रेजिडेंट. सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज, थ्री कैटेगरीज दैट वी हैव ऑफ अ पर्टिकुलर एसएससी. वो इन्हीं तीन कैटेगरीज में लाए कर सकता है. तो हमारे पास में बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं. पहला कैलकुलेशन होता है आर एंड एनआर का, जिसके लिए हमें बेसिक कंडीशंस दी गई हैं. हमें बेसिक कंडीशंस दी गई हैं, वो बेसिक कंडीशंस हमें दे रखी हैं दो. हमें दो बेसिक कंडीशंस उन्होंने दी हैं. पहली बेसिक कंडीशन दी हैज स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर नॉट लेस देन 182 डेज. तो जब कोई इंसान 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह लेता है, उसे हम रेजिडेंट कह सकते हैं. यहाँ पर इन बिटवीन एक और है, मतलब दिस इज योर कंडीशन नंबर वन, दिस इज योर कंडीशन नंबर टू. ठीक है, हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. एंड यहाँ पे हमने इन बिटवीन एक वर्ड ऐड किया है एंड, है ना, एंड 365 डेज इन प्रिसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर्स. मतलब मेरे जो प्रीवियस ईयर है उससे जस्ट पहले 4 साल जो है, उससे जस्ट पहले के 4 साल जो है उसमें वो एटलीस्ट मोर देन 365 डेज रहा हो. सर अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ही विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट, ही विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. इफ नॉट ही विल बिकम नॉन रेजिडेंट, ही विल बिकम नॉन रेजिडेंट. सर इसके साथ साथ हमें कुछ ऑर्डिनरी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है. इसके साथ साथ हमें एक ऑर्डिनरी कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, राइट. हमें कुछ एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं. ठीक है, दिस इज फॉर ओआर एंड एनओआर. मतलब कि मैं एक ओआर हूं या एनओआर हूं. सर मतलब अगर मैं नॉन रेजिडेंट बन गया तो मुझे एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. तो द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन इज कि मेरे पास 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, ही शुड बी रेजिडेंट. पिछले 10 में से 2 साल एटलीस्ट वो रेजिडेंट होना चाहिए. सर दूसरा बोलता है आउट ऑफ लास्ट 7 years he should have stayed in India, he should be stay in India more than 729 days. मतलब वो 729 days इंडिया में रहना चाहिए. बेटा इन दोनों conditions के बीच में and है, मतलब ये दोनों conditions fulfill होंगी तभी वो OR बनेगा. अगर दोनों conditions fulfill नहीं हो रही, केवल एक हो रही है या कोई भी condition fulfill नहीं हो रही, he will be called NOR, right? तो this is the basic residential status की आपकी conditions, राइट. आपने यहाँ पर ये रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशंस पढ़ी थी, इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था. आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मिस्टर ए है वो इस दिन पे यहाँ थे, इस साल इतने साल रुके. देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन गिवन टू यू इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट. तो इससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन आप क्वेश्चन में देख सकते हो. एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2.4 ऑन पेज नंबर 25, दिस इज इम्पॉर्टेंट. Illustration 2.6 on page number 25 is important. Illustration 2.10 is important on page number 26. And illustration 2.11 on page number 26 is important. These are some important illustrations जिनको आप एक बार देख सकते हो from your Girish Ahuja book. I hope यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, राइट. इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक रेजिडेंशियल स्टेटस बताया गया है ऑफ HUF, ठीक है. HUF के केस में आपको पता होना चाहिए दैट कर्ता इज द केम की पर्सन, ठीक है. HUF में अगर मेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो ही विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट,
है ना, एंड रेस्ट हम देखेंगे अगर कर्ता आर ओ आर है तो एच यू एफ भी आर ओ आर है, अगर कर्ता आर एन ओ आर है तो एच यू एफ भी आर एन ओ आर है. दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग सर, हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शुड बी इंडिया, है ना, तो ही विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट, राइट. एंड अगर रेजिडेंट है तो हम कर्ता को चेक करेंगे, इफ कर्ता इज आर ओ आर देन एच यू एफ इज ऑल्सो आर ओ आर, इफ कर्ता इज आर एन ओ आर देन एच यू एफ इज ऑल्सो आर एन ओ आर. सर अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज नॉट इंडिया, है ना, नॉट इंडिया, देन द एच यू एफ इज नॉन रेजिडेंट. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. सर कंपनी के केस में हमारे लिए ओ आर एन ओ आर एन ओ आर नहीं होता, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता, यू आर ईदर रेजिडेंट और यू आर नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट में अगर मेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है ना, एंड इनकॉर्पोरेशन भी इंडिया में हुआ है तो यू विल बी कॉल्ड एन रेजिडेंट, अदरवाइज यू विल बी कॉल्ड अ नॉन रेजिडेंट, राइट, अदरवाइज यू विल बी कॉल्ड अ नॉन रेजिडेंट. दिस इज द रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नंबर टू. अब सर यहाँ पर ना एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट ऑल द असेसी हैज टू स्टे इन इंडिया इन ऑर्डर टू बी, मतलब अगर एक पर्टिकुलर इंसान को रेजिडेंट बनना है इंडिया का, एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट बनना है, तो उसे उस पर्टिकुलर साल में इंडिया में रहना जरूरी है, प्रीवियस ईयर्स में रहने की जरूरत नहीं है, राइट. तो बेटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन असेसी हैज स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैज नॉट स्टेड एनी टाइम बिफोर, ही कैन बिकम रेजिडेंट. ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारी पार्शली ट्रू है. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर इंसान इंडिया में, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप बेसिक कंडीशन स्टेट कर दोगे, बेसिक कंडीशन क्या कहता है, 182 डेज या 365 प्लस 60 डेज. अगर आप 182 डेज इंडिया में रहे हो तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, है ना, राइट. तो प्रीवियस ईयर में रहे हो तो रेजिडेंट बन जाओगे, उससे पहले नहीं भी रहे हो तो भी रेजिडेंट तो बन जाओगे. सर आप रेजिडेंट तो बन जाओगे लेकिन आर ओ आर नहीं बन पाओगे, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन पाओगे, दैट्स व्हाट यू हैव टू स्टेट इन दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछने की बजाय उन्होंने थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछ लिया, ठीक है ना. आई होप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बाकी इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है, दैट इज फ्रॉम स्कोप ऑफ टोटल इनकम. स्कोप ऑफ टोटल इनकम अगर आप देखेंगे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आप रेजिडेंट हो, आर एन आर ओ आर हो, आर एन ओ आर हो या एन आर हो, कौन कौन सी सिचुएशन में हमारे लिए इनकम जो है टार्गेबल टू टैक्स है. तो आपको यहाँ पे मैंने दो ही चीजें बताई थी कि इफ इनकम इज अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल टू ऑल, इफ इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और अर्नड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, नॉट टू बी डीम्ड टू बी अर्नड, ठीक है ना. ऐसी सिचुएशन में आर एन ओ आर एन आर को टैक्स नहीं भरना, आर ओ आर को टैक्स भरना है उन पे भी. सर आर एन ओ आर के केस में हमें केवल एक एग्जेम्पशन उन्होंने दे दिया, क्या एग्जेम्पशन दे दिया, दैट इन केस ऑफ आर एन ओ आर हमारे पास में अगर कोई बिजनेस इनकम है, इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो इवन इफ द रिसीट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया और अर्नड इन इंडिया, इट विल बी डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया और उस पर टैक्स लगेगा, उस पर इनकम लगेगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इनकम है, एक बिजनेस है मेरा चाइना में जिसको मैं दिल्ली से कंट्रोल करता हूँ, तो आर एन ओ आर के केस में ऐसे बिजनेस में टैक्स लग जाएगा, एन आर में नहीं लगेगा, अगर रिसीट चाइना में रिसीव हो रहे हैं तो. आर ओ आर में तो लगना ही है, आर एन ओ आर में लग जाएगा क्योंकि इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दैट इज द, दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन. इस बेसिस पे आपको कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इनकम फ्रॉम रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंग्लैंड, तो आर एन ओ आर में टैक्स नहीं लगेगा. ऑस्ट्रेलिया में डिविडेंड लिए, ऑस्ट्रेलिया में ही मैंने
इंटरेस्ट रिसीव किया, आर एन ओ आर में और एन आर में दोनों में टैक्सेबल नहीं होगा, केवल आर ओ आर में होगा, क्योंकि ये अदर इनकम्स में आ जाते हैं, ये प्रॉफिट इनकम बिजनेस इनकम नहीं है, राइट? लेकिन बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आर एन ओ आर में टैक्सेबल होगा, बाकी सब में नहीं होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉ चैप्टर डिस्कस और कर दे रहा हूँ, विच इज चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर नंबर थ्री पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है, ठीक है? यहाँ पर आपके साथ में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन क्या होता है? सर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन होता है जहां पर हमने बात करी है, इनकम दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, इनकम दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ना अराउंड 25, 30, 40 पॉइंट दे रखे हैं। यू हैव बीन गिवन अराउंड 40 पॉइंट, 40, 45 पॉइंट, आपको काफी सारे पॉइंट दे रखे हैं। लर्न एनी 12 हेड्स ऑफ इनकम। आपको यहाँ पे केवल हेड्स जानने हैं, 12 टाइप की इनकम पता होनी चाहिए, उनके अंदर की डिटेल नहीं पता होनी चाहिए। ये 40, 45 पॉइंट्स हैं। इन 45 पॉइंट्स में से आई लीव इट टू यू कि आप कौन से पॉइंट इनकम लर्न करना चाहते हो। कोई स्पेसिफिक इनकम पे मैं पॉइंट कभी नहीं करता, कोई भी चैप्टर नंबर थ्री में कोई भी 12 जो आप आराम से लर्न कर सकते हो वो 12 इनकम आप लर्न कर लीजिए, बिना किसी झिझक के आराम से आप इसको लर्निंग कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर फोर, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। इन दोनों से सारे थ्योरी क्वेश्चन, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट? विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। थैंक यू। प्लीज मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, राइट? एंड सो दैट उनको भी थोड़ा बेनिफिट दीजिए कि दे ऑल्सो गेट टू नो ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दे कैन ऑल्सो लर्न थिंग्स, राइट? एंड दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? थैंक यू। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इग्नू के रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही रिविजन वीडियोज और भी सब्जेक्ट्स की डालता रहूंगा इन फ्यूचर, राइट? फॉर ऑल द फ्यूचर सेमेस्टर्स, फॉर ऑल योर फ्यूचर सेमेस्टर्स, राइट? सेमेस्टर फोर, सेमेस्टर फाइव, सेमेस्टर सिक्स, सबकी मैं यहाँ पे यूजली वीडियोज डालता हूँ। 1, 2 सबकी वीडियोज मैं अब डालना शुरू करूंगा फॉर द रिविजन पर्पज। चलो, थैंक यू। वील कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।